तभी तो क्या हाँ होगा, ओ फक, ओ शिट, ओ शिट, ओ आई फॉरगॉट, ओ फॉरगॉट, ओके आई विल स्टार्ट अगेन। तो इन दिस पिक्चर आई हैव सीन सेवन कैरेक्टर्स, थ्री कैरेक्टर्स जितना भी था, एंड दे आर डूइंग दिस एक्सरसाइज, एंड दे वर डूइंग समथिंग एल्स, ओ शिट आई फॉरगॉट, ओ शिट, ऐसे कर रहे हैं भाई। और भाई ग्रुप स्टार्ट हुआ, लोग भागना चालू हुए, कोई चिल्ला रहा है जय हिंद, कोई चिल्ला रहा है भारत माता की जय, कोई कुछ कुछ चिल्ला रहा है, और हमारा ग्रुप चालू हुआ। एक चिल्लाता पांच आम पंच चुचमुक चुचमुक, बाकी सारे बोल रहे हैं पांचों चुचुक बुचुक पंच चुचमुक, ठीक है। तब भाई सब मतलब हम हंसते हुए बोल रहे थे तेज, और भाई सारे जो क्या कहते हैं जीटीओ थे, तीन चार अलग अलग ग्रुप के, सब हंस रहे थे देख के, क्योंकि चल क्या रहा है ये, या हो क्या रहा है ये, पांच आम पंच चुचमुक चुचमुक चुचुक बुचुक पंच चुचमुक चुचमुक। फिर क्या हुआ, रोल कॉल के लिए बुलाते हैं रात में, है ना, क्या डीएसओ होते हैं, सर बिल्कुल का नाम क्या था, सर का नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, जो भी था वो आए स्पेशली, कहते कि ग्रुप नंबर थ्री, हाँ सर हम लोग, तुम लोगों का क्या कहते हैं आज क्या तुम्हारा वॉर क्राई तो काफी बढ़िया था, क्या था एक बार बता देना। फिर कहते अच्छा रुको अभी बताओ मत, बाकी जो तीन ग्रुप थे ना, चार टोटल ग्रुप बने हुए थे, जो तीन ग्रुप थे, कहते कि अगर तुम इन लोगों का टंग ट्विस्टर बोल लोगे ना तो तुमको रिकमेंड कर देंगे, ठीक है। तो फिर सर ने हमसे बुलवाया कि चलो साथ में सब बोलो, फिर हम वहां चिल्ला रहे रात के, समझ रहा है 8 बज रहे हैं, पांच आम पंच चुचमुक चुचमुक पांच पूरा। तो आज हम वेलकम हाँ करते हैं भाई प्रशांत मिश्रा का, और इन्होंने 12 बार SSB दिया है, उसमें से 5 कॉन्फ्रेंस आउट और 7 स्क्रीन आउट है, बाकी ये बताएंगे। बताओ, शुरू हो जाओ भाई। भाई क्या से बोल रहा हूँ, बिल्कुल मन तो नहीं कर रहा है ऐसे इंट्रोडक्शन तुम देती इंसान का इंट्रोडक्शन, ठीक है भाई। तूने बता ही दिया है 5 बार स्क्रीन आउट कॉन्फ्रेंस आउट और 7 बार स्क्रीन आउट। मैंने सबसे पहला बार 2018 में दिया था, उसका था डायरेक्ट एंट्री था, एसएसटी टेक या कुछ था, F48 या ऐसा कुछ था। तो मैं गया वहां से, मैं स्क्रीन आउट हो गया भाई, एक इंसान हूँ मैं, मेरे को पहली बार लाइक 1 साल पहले मेरे को पता चल रहा है एसएसटी भी कुछ होता है, ठीक है। और उसके बाद मैंने दिया गया, कोई प्रिपरेशन नहीं थी, ऐसे ही था सब कुछ, तो बस मेरे को पता था कि एसएसबी क्या होता है, ये असेसमेंट होता है 5 दिन का होता है, और प्रोसेस मतलब पूरा पता था, लेकिन अंदर से मेरे को ऐसे इन डेप्थ कुछ प्रोफाउंडली कोई नॉलेज नहीं थी, ठीक है। मैं गया, 400 बच्चे आए हुए वहां पे, उनको देख के मेरी फट गए, ये क्या हो क्या रहा है, पर ठीक है। तो स्क्रीन आउट हो गया। दूसरा बार था मेरा उसका एफकेट का था, देहरादून मैंने लिया था फर्स्ट ईयर, ठीक है। और वहां पे भी गया मैं एकदम, इस बार तो पेपर क्लियर करके गया हूँ, ठीक है, समझ रहा है, तो कॉन्फिडेंस मतलब यहाँ पे कि पेपर तो क्लियर कर ही दिया है, एसएसबी हाँ क्या है, ठीक है। लेकिन उस टाइम तक ऐसे मेरे को पता चल गया था कि ठीक है अब क्या क्या होता है, थोड़ा ऐसे अब समझ रहा है ना कि भी पहली बार किसी चीज में गया है, उधर तेरी ऐसे हो चुका है कि हाँ फक फक ऑफ बोल चुके हैं वो तेरे को, तो दूसरी बार तो थोड़ा ऐसे सीरियस होके जाएगा, ठीक है। हाँ तो मैं पटवट के गया एकदम अच्छे से, तो कॉन्फिडेंस एकदम ऊपर चढ़ा हुआ है, ठीक है। उधर आए हुए बच्चे भी कम आए, उधर ऐसे 150 बच्चे आए हुए, पहली बार गया था 400 आए थे, इधर 150 आए, उसको देख के मैं और खुश हो गया, ठीक है, ये भी बढ़िया ही है, बच्चे भी कम है और कौन अपना प्रिपरेशन भी पूरी हो रखी है। तो गया और उसमें भी स्क्रीन आउट हो गया, स्क्रीन आउट हो गया। उसके तूने बाद बिल्डअप ऐसा तो किया कि क्या तू ही अंदर बताऊं, गया ठीक होगा। है। फिर तीसरी बार मेरा था टीजीसी का, ठीक है, फिर से 2018 400, सितंबर, फिर से 400 लोग। नहीं, 400 नहीं थे भाई, 390 थे, 400 नहीं थे, 390 अच्छा थे, चल ठीक है। हाँ हाँ ठीक है। फिर हाँ तो उसमें क्या है, तो ठीक है, मतलब ऐसे उसमें 390 बच्चे थे अराउंड, 390 से या एक दो कम ही होंगे या ज्यादा होंगे जो भी है, तो कॉन्फिडेंस तो एकदम नीचे थोड़ा था ही, लेकिन मैंने सोचा चल ठीक है। उस समय मैं थोड़ा ऐसे दिमाग को ऐसे समझा लिया था मैंने कि ठीक है बात, ठीक है नहीं बात, ठीक है। तो गया मैं और उसमें मैं ऐसे हो गया, मतलब लाइक सिलेक्ट, और सिलेक्ट कैसे हुआ, मतलब स्क्रीन इन कैसे हुआ, मतलब ग्रुप में स्टोरी चल रही है ऐसे, हमको फोटो दिखाई थी कि एक जंगल है, वो फोटो ना थोड़ी अलग थी, मतलब मैंने ऐसे कभी देखा नहीं है, अभी मैं जैसे 12 बार दे चुका हूँ ना, तो आज तक मैंने वो फोटो ऐसे कभी देखी नहीं है, सिर्फ उसमें ही देखी थी। तो क्या था वो कि एक जंगल है, जंगल टाइप है ऐसे, कुछ वैली टाइप है, ठीक है। और क्या कहते हैं, एक इंसान दो इंसान थे और वो ऐसे ही जा रहे थे, और कोने में खड़े थे, वो जा भी नहीं रहे थे, पता नहीं इतना कुछ था नहीं तो। और लेकिन एक बंदे को ऐसे साइड में घिसड़ के लेके जा रहे थे, ठीक है, लेकिन ऐसा थोड़ा लग रहा था कि उसको कोई हार्म नहीं पहुंचाना चाह रहे हैं, बस उसको लेके जा रहे हैं, ठीक
ठीक है ऐसा था। तो क्या हुआ उसमें स्टोरी स्टोरी बनाई, और मैंने ना नरेशन तो मेरा मतलब जो भी था नरेशन में ऐसे कभी फंबल वम्बल ज्यादा ऐसा छुआ नहीं हूँ इसमें पीपीटी के दौरान, ठीक है। तो नरेशन तो ठीक ही जाता था, ग्रुप डिस्कशन में मेरी इन्वॉल्वमेंट बड़ी कम रहती थी, क्योंकि मेरे को लगता था कि अगर मेरे पास कोई पॉइंट आ रहा है तो मैं तो ही बोलूंगा, और फिर ऐसा मेरे को पहले लगता था डिस्कशन स्टार्ट होने से पहले, ठीक है। लेकिन बाद में क्या होता था कि जब वहां पे लाइक लाइव चल रहा है, हाँ भाई एकदम, फिर वहां पे इतने लोगों के अचानक से आ जाते हैं तो पता नहीं चलता, अपना भी भूल तो नहीं जाते हैं पर आता नहीं है दिमाग में, कभी कभी ऐसा होता है। लेकिन उस टाइम मेरे तीसरी बारी में, तीसरे अटेम्प्ट में मेरा आ चुका था, तो मैंने बोल दिया, मैं एकदम फुल पावर एकदम बढ़िया से बोल रहा हूँ, दो तीन लाइनें बोली, और एक बंदा था उसने मेरे से ना उल्टा पॉइंट कर दिया, कुछ पॉइंट मैंने बोला उसने मेरे को उल्टा पॉइंट कर दिया, तो उस पॉइंट पे क्या हुआ, और उसने एकदम जीडी सही में, वैलिड पॉइंट एकदम मेरे को पॉइंट आउट किया, हाँ जीडी जीडी में, हाँ जीडी में। तो मैंने कहा कि यार ठीक है, उसने मतलब उसने मेरे को बोल दिया कि ये ले, मैंने तो काउंटर पॉइंट लिया, अब तू क्या बोलेगा, और उसने काफी बढ़िया पॉइंट मारा, तो मेरे को लगा कि चल ठीक है, इसने सही पॉइंट बोला है तो मैं इसको उल्टा नहीं बोलूंगा, मैं कहूंगा ओके हो सकता है, मैंने ऐसे बोला, और फिर मेरी वहां पे फट चुकी थी, ओ शिट इसमें भी मैं गया, तीसरी बार भी स्क्रीन आउट तो हूँ। लेकिन भाई पता नहीं उसने क्या, वो जो असेसर थे आपके तीन चार थे, हाँ, तो उन्होंने पता नहीं क्या सोचा, और पूरे ग्रुप में से सिर्फ सिर्फ दो बंदे को लिया, एक मेरे को और एक जिसने मेरा काउंटर पॉइंट मारा था उसको, ठीक है। तो ऐसा ही था, वाह वाह जा, भाई साहब, ये एकेडमी में ना बहुत जगह पे कहते ऐसे ही बोलते कि तुम ऐसे सर को मत देखो, वो अपना काम कर रहा, तुम अपना काम करो। अब यार आंखें हाँ जाती हैं भाई, आंखें वो भाई वो चली जाती हैं जहाँ जहाँ वो उसकी मर्जी जहाँ चली जाती फिर बाद में लोग ये सोचते कि मेरी आंखें ऐसे सर पे गई तो मैं निकल गया, ऐसा कुछ नहीं होता। है। ऐसा कुछ नहीं होता भाई, ऐसा तुमने ऐसे सर ही सही बात बोला बोल रहे, मुझसे नैन मिला रहा है, इसको बाहर करो। इसको बाहर करो, इसकी हिम्मत आंखें दिखाता है इसकी आंख। तो ये तो हो गया, चल स्क्रीनेट की बात हो गया। अपन कॉन्फ्रेंस तो आउट 5 बार हुआ है, तो एक्सपीरियंस हाँ बता तेरे कॉन्फ्रेंस आउट का, मतलब कि साइक से लेके जीपीओ से लेके इंटरव्यू तो मोस्ट इम्पोर्टेंट। सबसे पहले स्क्रीन इन वाला जो मैंने तेरे को बता ही दिया अभी कि सबसे पहले कैसे मैं स्क्रीन इन होता है, पहले एसएसबी का मेरा ये था TGC 128 सितंबर 2018 की बात है, मौसम मौसम बढ़िया है एकदम, ना ठंडी है ना गर्मी है, ठीक है। और स्क्रीन इन का तो मैंने तेरे को बता दिया, साइकोलॉजी साइकोलॉजी दूसरे दिन होता है, गया मैं तो मेरे को ऐसे साइकोलॉजी टेस्ट दिया, मेरे को काफी चिल सा लगा कि चल ठीक है लिखना है ऐसे और एक जगह बैठ के लिखना है, क्योंकि उस समय तक मैं कभी मैंने ऐसे कॉन्फ्रेंस तक मैं गया नहीं हूँ, ठीक है। तो एक्सपीरियंस मेरे लिए सबसे पहला है, और उससे पहले लोगों ने इतना मतलब फाड़ दी है कि वीडियो वीडियो तो हमने देखी है, कोचिंग वोचिंग हमने लिया ही है, मैंने लिया है मतलब मैंने बालनोवी से लिया था, तीसरे वाले के लिए ही उससे पहले मैंने कोचिंग ली, ठीक है। तो हाँ क्या कहते हैं, तो लेकिन हमको पता है कि प्रोसेस की पूरा क्या है कैसे है, पर उसको कभी एक्सपीरियंस नहीं किया ना तो पूरा चेंज हो जाता है अचानक से, पता नहीं चलता है, पूरा दिमाग का खेल है, समझ रहा है। तो हुआ साइकोलॉजी में ठीक गया, मतलब लिखना है बैठ के लिखना है, थोड़ा हाथ पर दर्द हुआ, थोड़ा मेंटली एग्जॉस्ट हुआ इंसान, साइकोलॉजी का ऐसा होता है कि तुम जो लिख रहे हो तुम्हें पता है पर तुम सोच नहीं रहे हो कि तुम कैसा लिख रहे हो क्या लिख रहे हो, ठीक है, क्योंकि पूरा टेस्ट ही वो उसी पे है ना, फटाफट से थोड़े 10 सेकंड में तुम्हारी जिंदगी जान ले, है ना, ऐसा है वो टेस्ट, ठीक है। अरे उसमें फोटो तो ऐसा तो दिखाते हैं कि साइकोलॉजी लोग कॉमिक बुक समझ के लिखने लगते हैं, जिस कैरेक्टर से जिस कैरेक्टर से, मैं हाँ बहुत कभी देखे ऐसे। कभी मतलब ऐसे, हाँ वो कॉमिक वहां पे कॉमिक वाले सिचुएशन भी होते हैं, टेस्ट टेस्ट मान ले, वो TAT मान ले, थीमेटिक एप्रेसेप्टेंस टेस्ट मान ले, तो उसमें क्या होता है फोटो दिखा रहे हैं, एक फोटो हो गई 4 मिनट हो गया, दूसरी फोटो आ गए, लेकिन पहला इंसान अभी उस वाली स्टोरी पे लिख रहा है, ठीक है। मैंने ऐसे बंदे देखे हैं वो, और नई फोटो आ गई और वो उसी पे लगा हुआ है और 2 मिनट लिख रहा है वो मस्त, ठीक है। फिर उसके बाद अगली फोटो आ गई, मतलब वो पूरा ऐसे नहीं कि चल ठीक है अब छोड़ दे, नहीं भाई वो उसको पूरा कंप्लीट करके 2-3 फोटो वो पीछे है पर वो लिख रहा है बंदा, उसने सोच लिया है अपने दिमाग में बना लिया है, ठीक अरे तो है ऐसे ऐसे ऐसे। टाइम पे क्या होता है ना, पहली फोटो आती है उसमें एक स्टोरी बनती है, दूसरी में दूसरी बनती है, ऐसे लास्ट में आते आते जो फर्स्ट स्टोरी का एंड है ना, वो 12th स्टोरी में आता है, फाइनली ही गॉट व्हाट ही वांट, ऐसे करके, क्योंकि साइकोलॉजी पूरा जल्दबाजी में यही फेक रहता है। है। तो उसके बाद आता है WAT। या WAT बड़ा वो ऐसा लगता है मेरे को कि मतलब शब्द, पहले जब मेरे को पहली बार मैंने सोचा था ना कि SSB देंगे तो WAT क्या होता है, तो जैसे फैन, तो मैं सोचता था कि अगर फैन है हाँ
मैं सोचता था कि फैन क्या रिप्रेजेंट करता है, मैंने कोल्डनेस, हवाबाजी, ठंडक, ऐसे सोचता था। बाद में मेरे को किसी ने बताया कि तुम्हें एक सेंटेंस बनाना है जिसके अंदर फैन आना चाहिए, जैसे स्टोन हो गया। मैं सोचा स्टोन मतलब गोल्ड, गोल्ड लिख के आ जाऊंगा मैं ऐसे, लेकिन बाद में किसी ने बताया मेरे अच्छा को, ये मैंने एसएसबी में नहीं किया अभी तक, पहले ही गलती पकड़ ली थी मैंने वाली। तो पहले मैं ऐसा सोचता था कि अच्छा WET ऐसा होगा, तो WET का हाँ ज्यादा मतलब कुछ है ऐसे नहीं। वैसे रिकमेंडेड एक बंदा था, कभी था कहीं देखा था मैंने, तो उस बंदे ने भी मतलब ऐसे आया, लव आया तो उसने मॉम लिख दिया, उसमें पता नहीं ऐसे बोलते हैं, सुना ही है ठीक है, उसने लिखा, क्या पता उसको उस हिसाब से कैसे उसको असेस किया हो जो भी है, पर उसने लव आया तो उसने मॉम लिख दिया है ना, तो पर्यावाची सब यही था। मतलब लोग सोचते हैं कि जैसे तूने बोला कि फैन क्या रिप्रेजेंट करता है, कोनलेस करता है, ये बंदा टेस्ट देने से पहले है अभी, ठीक है, जब उधर टेस्ट WAT हो रहा होता है, फैन आता है तो भाई इंसान को याद नहीं आता क्या रिप्रेजेंट रिप्रेजेंट कर रहा है, वो है फैन है तो वो घूम रहा है बस, ठीक है, फैन है तो आई बस घूम स्विच रहा है, ऑन द उस पर वो फैन। सेंटेंस लगाएगा, उस पर हाँ, बनाएगा वो, क्योंकि वो इतना दिमाग पहले खा हाँ जाता है फैन ना इज वो एंटी स्टोरीज। क्लब भाई, हाँ भाई पूरा वो, अभी हम TAT से हमारा अभी दिमाग उठा नहीं है कि वैट आ चुका है, अच्छा यहाँ आ गए हम, ऐसे हो जाता है और फिर भाई। एक तो ना SRT में बड़ा मस्ती चीज होती है कि ना SRT में हम पहली बार दे तो सिचुएशन रिएक्शन मतलब टेस्ट होता है वो, इस सिचुएशन पे तुम कैसे रिएक्ट करोगे। SSB देने के बाद जब तुम पहली बार कॉन्फ्रेंस आउट हो जाते हो तो उसके बाद तुम्हारा दिमाग सिर्फ ऐसे ही चलता है SRT पे, अच्छा ट्रेन लूटी तो मैं क्या करूंगा ये, और बहुत सारे तो खुद ही एग्जाम्पल बनाता रहेगा, और जो वो क्वेश्चन कभी नहीं आते SRT हाँ में SSB में, जो हम बना लेते हैं फर्स्ट जो कॉन्फ्रेंस आउट के बाद। बना लेते मैंने बहुत बनाए थे भाई, बहुत सारे तो हैं इनलॉजिकल थे। तो अब ये हो गया, अब GTO तेरे, GTO जब तूने पहली बार मतलब तेरा क्या एक्सपीरियंस रहा था उसका, क्या कहते हैं साइकोलॉजी टेस्ट का, तेरे को कैसा लगा, तेरे को नहीं लगा कि थोड़ा ऐसे मेंटली एग्जॉस्ट हो गया इंसान पूरा? नहीं, अबे मेरे को बस इस बात का बुरा लगता था पहले वाले में कि साला कंप्लीट नहीं हुआ, है ना, बाकी मजेदार चीज थी कहीं एग्जाम्पल, वो बस हाँ स्टोरी, मजेदार तो है, मैं पांच नो लाइन में डाउट मजेदार पांच तो है, सेंटेंस में स्टोरी खत्म करता हूँ, मतलब थोड़ी और बड़ी पांच लगा ले, सेंटेंस सात में, आठ आठ। हाँ मतलब 100 तो बोलते ही हैं, अरे 100 शब्द सेंटेंस हो गलत जाते बोल गया, हैं, लाइंस, सात आठ लाइंस लाइन एक से है सेंटेंस सात में। हाँ आठ, हाँ वही है मतलब ना, ऐसे मोटा मोटा 10 लाइन, 10 10 वर्ड हो गया, 100 खत्म, 10 लाइन लिख दो, बस पर मन ऐसे नहीं भरता ऐसा कभी कभी कि अरे 10 क्या, 10 तो ठीक है, थोड़ा 11 12 हो जाए। 12 13 हो जाए। कभी कभी एक स्टोरी में ऐसा होता है हाँ यार, क्या चलिए एक पे ही खत्म कर देते हैं, कुछ नहीं आ रहा, थैंक हाँ यू भाई कि हाँ पिछले आगे वाले में, पिछले वाले में 13 कर दिए थे ना, इसमें 8 कर देते बस ऐसे चलता है। हैं। और WET में हम लोग ज्यादा लंबा सेंटेंस लिख देते हैं तो लग जाती है क्योंकि हाँ उसमें तो हो जाता है, उसमें ऐसा लगता है कि यार अभी अभी अंदर के इमोशन पूरे हुए नहीं है पूरे, थोड़ा और बड़ा लिखो ऐसे और बड़ा, होता है। हाँ और छोटा बनता नहीं है ना, छोटा 3 4 लाइन का एक बनता नहीं सेंटेंस है, ऐसे नहीं बनता। छोटे छोटे के लिए वो जो तूने बताया ना कि क्या रिप्रेजेंट करता है, वो हाँ सोचना पड़ेगा। बस वो लव वाला, लव मदर वाला मैंने ही सुना है, बहुत सारे लोग बोलते लिख के आते, एक ने नाइफ पे लिख देता शार्प। तो फिर SRT में अपन आते, तो SRT में क्या होता है, उसमें रिएक्शन हमें पूरा लिखना होता है कि मतलब तू अगर उसमें एक SRT आता ना कि तू SSB के लिए जा रहा है, तेरी ट्रेन है और तू स्टेशन के बाहर देखता है एक रोड एक्सीडेंट हो गया, तो तू क्या कर, अब इधर तू दो हाँ दुविधा में फंसा है, उसको बचाएं SSB बताएं देने जाएं। तो और देख इसमें अपना दिमाग डबल घूमता भाई है, देखेगा तो कि अगर नहीं बचाए तो हम लोग ने कहीं बचाया होगा तो झूठा हो जाएगा पिछले SRT में, और अगर SSB नहीं गए तो हाँ सेलेक्ट घंटा हो गए, एग्जैक्टली इसमें दिमाग घूमता है। हाँ मतलब कभी 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 ना, मतलब मेरे साथ तो ऐसा होता है कि मान ले कि मैं भले ही अच्छा सोच रहा हूँ ठीक है कि मेरे को इसको बचाना है, मैं अगर मेरे साथ वो लाइव सिचुएशन हो रही हो तो मैं वहां पे अच्छा होऊंगा, पर जब मैं लिखने टाइम आता हूँ ना तो ऐसा लगता है अरे मैं ऐसा हूँ क्या यार मैं ऐसा हूँ या नहीं हूँ, ठीक नहीं मैं लिखूं है, कि तो नहीं, उसमें शायद उल्टा, हाँ कि ये लिखूँ कि नहीं लिखूँ, यार ऐसा तो मेरे साथ कभी हुआ नहीं है यार, क्या लिखूँ, मतलब ऐसा ऐसे ऐसे भी कभी हो जाता है कि वहां गलत लिखाते हैं, पर एक्चुअली में वो जो हमारे वो क्वालिटीज हैं जिनको चाहिए वो हम कर रहे हैं पर वहां लिख नहीं रहे, शायद ऐसा भी होता हो। SRT में पहली बार मैंने जब SRT दिया ना, जब मैंने पहली बार SRT दिया था तो 60 आते हैं ना, 60 30 मिनट में 60 आते हैं ना, तो मैं लिखना स्टार्ट हुआ, उसमें तो वो पैम्फलेट देते हैं जो भी लीफलेट,
है। तो मुझे लगा कि चल ठीक है, पहला दो दो हमने टेस्ट दे चुके हैं जिसमें स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, थोड़ा बार बार यूं करना पड़ता है, इसमें से वैसे ही रहेंगे। मैंने कहा थोड़ा जल्दी हो जाएगा ये, कर रहा हूँ मस्त, 1 2 3 4, मेरे को लग रहा है अरे 30 सेकंड में क्या, मैं तो 20 सेकंड। और जैसे उसने बोला टाइम अप, मैं देख रहा हूँ कि उन 60 में से मेरे सिर्फ 33 हो रखे हैं। मैंने कहा है 33, बस 33 हो रखे हैं, मेरे को लगा टाइम होगा भी बचेगा 33। मैंने कहा यार ये क्या हो गया, मेरे साथ तो धोखा हो गया ये। फिर वही होता है ना कि अब टाइम हो गया, टाइम हो चुका है और साइकोलॉजिस्ट कह रही है कि हाँ भाई रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, लेकिन हम पता नहीं किस 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 ओवर कॉन्फिडेंट में है कि इस 1 2 5 सेकंड में जो जो हमने एक पिछले 30 मिनट में सिर्फ 33 लिखे हैं, वो सिर्फ 5 10 सेकंड में हम बाकी के 27 लिख लेंगे। नहीं भाई हाँ नहीं होगा, नहीं रुक जाओ होता। वापस, अबे एक नहीं होता एसआरटी भाई आया था रुक जाओ। बड़ा मस्त वाला, है ना, बोलता है कि तुम इधर नागालैंड में हो और कुछ नागा पर्सन लठ लेके तुम्हारी तरफ आ रहे हैं, तुम क्या करोगे? हाँ पता क्या हाँ, करेगा, पता क्या करेगा? भाई मैंने लिखा, मैंने मैंने मतलब पता है मेरे को कि शायद मैंने गलत ही लिखा था। मैंने लिखा था कि मैं उनको ऐसे कन्फ्रंट नहीं करूंगा, सीधा ऐसे उनकी ऐसे साइड से चला जाऊंगा, सिर्फ ये लिखा था। और एक्चुअल में तो भाई मेरी गान फट जाती, सिंपल सी बात अबे देखा जाए तो वैसा वो मारने आ रहे हैं कि नहीं आपको कुछ नहीं पता, है ना। तो ये तूने बोला हाँ ना कुछ नहीं मैंने ये पता लिखा था, एग्जैक्टली। मैंने बोला जाओ, जाने हाँ दिया, मैं भी चला गया, बस खत्म। फिर हाँ चले एक 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 दिया बड़ा फिर। हाँ इंटरेस्टिंग वाला वो ट्रेन। पर एक इंसिडेंट फिर ये आता है ना कि यार अगर ये लिख रहे हैं कि नागाज आ रहे हैं डंडा वंडा लेके आ रहे हैं, तो यार ऐसे पीसफुली तो आ नहीं रहे होंगे, ठीक है जो भी है, सिर्फ ऐसे मैं किसी कम्युनिटी को यहाँ पे हार्म नहीं करना चाह रहा हूँ, नागाज अबे की ये जरूरत तो अपनी कोई और भी सोच होता पे आ तो भी मैं जाता है ऐसे ना, सोचता। हाँ ये हाँ सोच पे आ एग्जैक्टली जाता है, अपनी सोच पे ये आ जाता। सोच पे छोड़ देते हैं कि तू उसको गुस्से में ले रहा है, काम नहीं ले रहा करके, समझा? हाँ ये हाँ कैसे में ले रहा है। हाँ क्योंकि वो आधा सेंटेंस देके बाकी तेरे पे छोड़ देते हैं ना। जैसे वो एक ट्रेन वाला था कि बोलते कि तू ट्रेन में बिल्कुल बैठा है और ये गन लोडेड पर्सन तेरे पास आ रहा है, कुछ नहीं बता रहा, गन वाला पुलिस वाला है, कौन है वो, हमारे ऊपर है कि हम क्या है, अगर हमने मिर्जापुर देखे तो हमको लगेगा कि गुड्डू भैया है। हाँ क्या ऐसा है, वो अपने ऊपर रहता है भाई पूरा। है इट्स और वो सबसे ऑल गंदा अबाउट वाला हाउ वो यू लगता है मेरे फील। को कि तू ट्रेन में घूम रहा है और सडनली तेरा बैग जो है वो गायब हो गया, तू बाथरूम से आता देख तेरा बैग गायब है, तो तू क्या करेगा बता? हाँ तो भाई देख हमारा क्या होता है ना, मतलब मैं ऐसे जनरली ट्रैवल तो करते ही हैं अपन लोग, है ना, तो ऐसे मेरी मेरी आदत है कि ट्रेन में ऐसे घूमते रहते हैं। तो मेरे को पता है कि आरपीएफ ऐसे दो दो की टीम में घूमते हैं, दो ऐसे दो से या तीन ऐसे होता है, ठीक है, तो वो दो 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 घूमते हैं। तो ऐसे मेरे को पता होता है कि दूसरे बुग्गे पे अभी है, यहाँ पर है, अभी ये घूमने का टाइम है, तो ऐसे एक रफ आइडिया होता है कि यहाँ पर होगा। तो मैंने तो लिख दिया था कि आई गो फाइंड आरपीएफ टीम एंड इन्फॉर्म देम, ये लिखा। और इसके बाद इसमें थोड़ा बड़ा कर दिया, अब मैंने क्या लिखा कि एंड आई विल ऑल्सो ट्राई टू फाइंड द थीफ, या जो भी जो बैग मेरा लेके गया है, ये देखा लिखता, इसमें, ये इसमें लिखा था वैसे। फिर से देख इसमें वो साइकोलॉजी क्या किया, तेरे को वहीं छोड़ गया तेरी सोच पे कि बैग तेरी सीट हाँ से गायब है, उसमें कहीं नहीं बोला कि उसने चोरी ठीक करा से है। गायब है कि हाँ हाँ भाई हाँ यार ये पता है कि देख ऐसे क्या पता कि कोई जो जरा को पैसेंजर हो उसने किया हो, उधर अगल बगल रख दिया हो, है ना, हाँ कि तो तू बगल वाले से पूछ लेगा कि हाँ भाई मेरा बैग देखा तूने, हाँ हाँ वो बोलता हाँ ये रहा, बोलता हाँ मिल गया, खत्म। ये ओ तो शिट, साले अरे मैं तो SRT में बोल दिया अरे था, मैं तो SRT में लिख दिया कि मैं RPF के पास चला गया, शिट यार नहीं, ये हो वो चोरी पे लिखा जाएगा। कर जब चोर आता है या कुछ। अबे एक कभी कभी तो डायरेक्ट हाँ लिखते हैं ना कि गुंडे आए हैं और ते वो गन दिखा रहे, तब तू क्या करेगा? हाँ गुंडे आए हैं, हाँ हाँ तो इसमें क्या साला करेगा दिमाग लगता है, तो कुछ तूने तू उनको मार तो सकता नहीं, उनके पास क्या गन है, सिंपल सी बात है। लिखा उसको बस तू टाइम देख के ओवर पावर कर सकता है, वो भी को पैसेंजर से मिलके, क्योंकि आरपीएफ आरपीएफ को था। बुला नहीं सकता। अब जीपीओ शुरू करते हैं, तो अब इंटरव्यू पता हाँ चल, असली तेरे में इंटरव्यू के एक्सपीरियंस बता दे मैं तो कि बढ़िया बढ़िया, तो क्वेश्चंस या इंसिडेंट बताओ। सबसे पहला वाला मेरा था जिंदगी में, पहली बार इंटरव्यू चल रहा है भाई कपूरथला वाला, ठीक है, इंटरव्यू रूम में गया, उसका रूम भी काफी बड़ा था, ठीक है, तो अंदर घुसता हूँ, अंदर घुसते ही कहता है कि ओ गुड मॉर्निंग प्रशांत मिश्रा, हाउ आर यू, ओ कहाँ गुड हाउ आर गए? यू, तू अभी मैंने कहा बोला ना हाँ, ओहो कहता कि ओहो कहाँ ओके, गए?
तो फिर वो कहता ओके प्रशांत मिश्रा बिफोर वी स्टार्ट दिस इंटरव्यू टेल मी द डायमेंशन ऑफ दिस रूम। सर अभी अभी तो मैं घुसा हूँ, अभी तो मैंने रूम को देखा ही नहीं है। मैंने तो रूम को देखा ही नहीं है सर, कहाँ से मैं बता दूँ, और अगर मैंने देख भी लिया है 5 मिनट ना तो भी मेरे को नहीं लग रहा मैं बता पाऊंगा। तो ये सब तो खैर मैंने उसको बोला नहीं, तो मैंने बोला कि ठीक है। पहले मैंने उसको बताया मैं वहाँ पे ना टाइल्स लगे हुए थे, ठीक है टाइल्स लगे हुए थे, और वो क्या कहते हैं टाइल्स भी क्या थे, वो दो दो डेढ़ डेढ़ मीटर वाले नहीं होते, 1.5-2 मीटर वाले बड़े बड़े वाले जो टाइल्स होते हैं, छोटे वाले नहीं, वो लगे हुए थे। तो ऐसे 10 तो ना वो ऐसे रूम में मैंने देख लिया उसे, मैंने कहा ठीक है उसको बताता हूँ रुको, तो डायमेंशन बता रहा हूँ देखने दो। तो नीचे देख रहा हूँ टाइल्स इस ऐसे जाके ना 10 लगे हुए हैं, और उस तरफ जाके ऐसे 8 लगे हुए हैं, ठीक है तो समझ लिया 8 और 9 10 टाइल लगे हुए हैं एक रूम में, कितना बड़ा रूम है ठीक है, मुझे नहीं तो पता, कितना बड़ा मुझे रूम है। नहीं पता। हाँ अभी मैं तेरे को सिखा देता हूँ ना, मैं सिखा देता हूँ। तो मैंने उसको अच्छा बता बताओ। दिया मीटर में, ठीक है मैंने उसको मीटर में बता दिया, तो और ऐसे अप्रॉक्स बता दे मीटर में। तो फिर वो मेरे से कहता कि नो 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 नॉट इन मीटर, टेल मी इन फुट। सर ठीक है फिर मैं आपको बताता हूँ। फिर और फिर मैं भूल गया, मैंने कहा क्या होता है ये, 1/3 होता है या इंटू थ्री होता है, ऐसे ऐसे सोच के। तो मैंने क्या किया, मैंने मीटर में बताया था, मैंने उसको फीट में बताने के लिए 3 से डिवाइड कर दिया, और ऐसे पहले ही वो समझ गया थोड़ा थोड़ा सा डेसिमल डेसिमल में आ चुका है वो मीटर, अब उसको डिवाइड करना है 3 से, तो और पता नहीं कुछ डेसिमल में आ गया, पर उस समय डेसिमल में कौन याद रखता है, मैंने ऐसे बता दिया ऐसे ऐसे करके। कह रहे ठीक है ओके ओके गुड गुड। और फिर जब भी कोई इंटरव्यूअर गुड बोलता है तो समझ ही जाए इसका क्या मतलब होता है कि तूने हक दिया दिया है। और उसके बाद कोई फिर तो क्वेश्चन? ऐसे ही चलता रहा, कहता है कि हाँ। उसके बाद अचानक से चलो ठीक है तो स्कूल कॉलेज जाते हो, मैंने कहा हाँ सर, उस समय मेरा कॉलेज चल रहा था। कहता है कि कैसे जाता हूँ, मैं मेट्रो से जाता हूँ सर। तो मेरे से कहता कि मेरे से कहते वो कि क्या कहते हैं कैसे जाते हो, मेट्रो से जाते हो, क्या रूट है जाने का तुम्हारा। मैंने कहा सर मेरा कॉलेज कश्मीरी गेट पे है, तो मैं मयूर विहार रहता हूँ और राजीव चौक से चेंज करके कश्मीरी गेट जाता हूँ। तो कहता कि ठीक है कश्मीरी गेट जाने के लिए कहीं से चेंज करते हैं। कहता कहाँ से, मैंने कहा सर राजीव चौक से करते हैं। तो कहता है राजीव चौक से 1 स्टेशन पहले क्या है, मैंने कहा सर ये है पारक खम्बा, उससे पहले क्या है मंडी हाउस, उससे पहले क्या है प्रगति मैदान, उससे पहले क्या है इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ पे रुक गया वो, ठीक है। फिर कहता है दे हैव दिस वेरी बिग थर्मल पावर प्लांट ओवर देयर, एंड व्हाट इज द नेम ऑफ द थर्मल पावर प्लांट। मैंने कहा सर वो इंद्रप्रस्थ थर्मल पावर प्लांट ही होगा ना। फिर वो थर्मल पावर प्लांट पे आ गया कि तुमने तो ट्रिपल ही करी ना, डिस्क्राइब मी द वर्किंग ऑफ थर्मल पावर प्लांट, मतलब तू समझ रहा है वो मेरा रूट पूछ रहा है कि किस रास्ते से जाता है तू, वो रास्ते से सीधा थर्मल पावर प्लांट पे आ गया वो, ठीक है। फिर थर्मल पावर प्लांट कैसे चालू होता है, ठीक है बता देता हूँ थोड़ा थोड़ा, ऐसे अचानक से सर आपने पूछ लिया, ऐसे रेडी नहीं हूँ मैं। आता भी हो तो मैं भूल जाऊंगा, अभी तो ऐसा है कि मेरे को आता भी नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद थर्मल पावर प्लांट फिर मैंने थोड़ा थोड़ा बताया ऐसे थोड़ा। तो उसके बाद कहते सर कि अच्छा तुम्हें बताओ कि यहाँ से मेरे को कपूरथला से इंद्रप्रस्थ से कपूरथला पे मेरे को इलेक्ट्रिसिटी मेरे को ट्रांसमिट करनी है, आप बताओ क्या प्रोसेस है उसका। मैंने कहा सर मैं अंदर से मैंने हार तो मान ही लिया था। मैं नहीं सर, मैंने कहा सर इतनी दूर क्यों लाना है मेरे को, यहीं अगल बगल कोई थर्मल पावर प्लांट होगा ना वहीं से ले लेंगे। पर मैं उसको बोला नहीं, मैंने बताया सर सब स्टेशन बनाएंगे, अलग अलग ट्रांसमिशन टेक्निक्स अपनाएंगे, कुछ भी वहां पे भेड़ रहा हूँ ऐसे। ऐसा ही था भाई, बहुत कुछ उसने मेरे से पूछा था, मतलब वो उसमें तो वो खत्म हो गया। और जो थोड़े थोड़े मोड़ छोटे, मतलब समझ रहा है, थोड़े टेढ़े मेढ़े सवाल जो मेरे को लगा कि हाँ ये मेरे को जानना चाहिए क्यों ऐसा होता है, वो मेरे से एक बार पूछता कि जो घर में सॉकेट्स होते हैं उसके जो शेप होते हैं वो सर्कल क्यों होते हैं, तेरे को बताया था मैंने ना, पूछा नहीं था मेरे को उसने याद मेरे नहीं है। इंटरव्यू में। हाँ अच्छा मतलब बताया था इसमें मैंने सब इसमें कुछ, हाँ शायद तू हाँ होगा नहीं इस पर, इसमें पूछा मैं होगा बता रहा देखो हूँ। एनएसबी में। हाँ तो हाँ एनएसबी में पूछा था कि क्यों होते हैं गोल गोल, मैंने कहा सर ये कन्वेंशनली यूज होते आ रहे हैं, मतलब ऐसे मेरे को टेक्निकल रीजन तो नहीं पता है ना, तो यही था। और क्या था ऐसे अचानक से मेरे को भी याद नहीं आ रहा मेरे को लगता है सर वो फैक्ट चेक करके एक क्या यूट्यूब चैनल है वो देखते। फैक्ट चेक याद है तेरे को? सर उसे सब आप आता है। जान के हैरान हो हाँ सर जाओगे। उसे सब हाँ सर उस पे मैं आपको ना देख के बता दूंगा, आप मेरे को 2 मिनट दो, बस मेरे को फोन दे दो अपना उसके साथ, हाँ इससे नहीं ये होता। ऐसा ही चलता है फिर। कलकत्ता वाले में तो, कलकत्ता वाले के इंटरव्यू में तो काफी, मतलब समझ रहा है मुंह पे मास्क लगा हुआ है, फेस मास्क,
शील लगी हुई है, बंदा एकदम अनकंफर्टेबल हो रखा है, पसीने आ रहे हैं। मौसम तो उधर का तेरे को पता ही था कैसा था, बहुत बहुत गर्मी पसीने था आते थे उधर, बहुत ह्यूमिड था। वहां पे, तो भाई बोलते हाँ, समय और फेस शील्ड पे ऐसा भाप से जमती थी, ऐसा अलग ही, फिर ऐसा पूरा करके सर को पूरा देखने के लिए ऐसा करना उधर पड़ता था, ऐसा रेस्क्यू में सर। लोग एक हाथ की तरफ बोलो। गोल बना रहे हैं, हाथ की हाँ तरफ और हाँ तरफ दिख रहा सर है आप दिख रहे हो, वो अलग ही सीन था। नहीं, एक वो बताता हूँ, एक वो बताता हूँ, क्या कहते हैं तो क्या कहते हैं, स्क्रीनिंग स्क्रीनिंग के दौरान एक बंदा आया, तो क्या कहते हैं वो नरेशन उसका स्टार्ट हुआ। तो नरेशन स्टार्ट होते ही ना वो ऐसे बोलता है कि गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन, तो ये ऐसे उसका स्टार्ट होता है, कहता है कि इन द पिक्चर आई हैव परसीव इन दिस पिक्चर आई हैव परसीव्ड थ्री कैरेक्टर्स एंड ऑल थ्री कैरेक्टर्स आर ओ शिट आई फॉरगॉट, लिटरली वो ऐसे कर रहा है, ओ शिट ओ शिट। सर आगे बैठे हुए सब देख रहे हैं, सब उसको यू ऐसे देख रहे हैं, सब यू देख रहा हूँ, कह रहा है ओ फक ओ शिट ओ शिट ओ आई फॉरगॉट ओ फॉरगॉट ओके आई विल स्टार्ट अगेन। तो इन दिस पिक्चर आई हैव सीन सेवन कैरेक्टर्स, थ्री कैरेक्टर्स जितना भी था, एंड दे आर डूइंग दिस एक्सरसाइज एंड दे वर डूइंग समथिंग एल्स, ओ शिट आई फॉरगॉट ओ शिट। ऐसे कर रहे हैं भाई, वो ऐसा कर रहा है, और सब उसके ऐसे क्वेश्चन मार्क से देख रहे हैं, और उसके बाद बंदा रुका नहीं है, रुका नहीं है वो ऐसे। उसके बाद स्टार्ट हुआ, उसके बाद स्टोरी उसने अपनी चालू करी, उसके बाद ऐसे ऐसे हर जगह, मतलब हर 30-30 सेकंड में ऐसे करे जा रहा है वो। और जैसे उसका 3 मिनट हो गया ना, तो बंदा इतना कॉन्फिडेंट होकर उसने खत्म किया है ना, थैंक यू, कि मतलब कि उसको लग रहा है कि सबसे बेस्ट उसका ही था, उसने सब कुछ कर करके उसने एक्सप्लेन कर दिया है ऐसे करके वो। भाई ऐसा भाई वहां के सब, मतलब लिटरली ना, वो जो 16 का ग्रुप था, तो 15 लोगों में से ना कम से कम 8-9 लोग तो हंस चुके थे, 8-9 लोग हंस चुके थे भाई, जिसमें से एक मैं भी था, मैं भी हंस चुका था। और जो नहीं हंसा था ना उसको उसको स्क्रीन आउट कर दिया था, नहीं ये नहीं हंसा वो स्क्रीन रहा आउट था हो गए वो स्क्रीन आउट हो गए, वो हो गए तुम जाओ। लिटरली हो गए भाई। उस ग्रुप में से ना तीन तीन लोग वो हुए थे स्क्रीन, एक मैं हुआ था और 2 लोग और, दोनों हम तीनों हंसे थे। मेरे बाकी को कोई नहीं इसलिए याद है हंसा। क्योंकि एक बंदा बाकी, मतलब उन आठ जो आठ में से हंसे थे, उन आठ में से तीन स्क्रीन लोग, ठीक है। ये अच्छे से हंसे थे, ये जेन्युइन हंसे हैं, और हाँ उन्होंने ऐसे ऐसे कि आंख देखो ये नहीं हंसी मिलाई। वाला सिचुएशन है, ये हंसी वाला सिचुएशन है, इसमें तो हंसना था, तुम हंसे क्यों नहीं, तुम बाहर हो गए हंसे। हाँ बाहर भाई, एक 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 ना एक काफी ना इंटरेस्टिंग था हमारा, क्या कहते हैं क्या कहते हैं, ग्रुप रेस होती है ना, तो उसमें वॉर क्राई होता है ग्रुप का, है ना, वॉर क्राई होता है। तो क्या हुआ, हाँ भाई बता देता हूँ, ये बढ़िया स्टोरी है, ठीक है। तो वॉर क्राई में होता है, तो हम लोग क्या होते हैं कि हम लोग ऐसे एक रात पहले हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, बनारस की बातें है, ठीक है। तो बनारस में वॉर क्राई, सब सोच रहे हैं कि क्या करेंगे क्या करेंगे, और हमारे ग्रुप था काफी, मतलब थोड़ा बहुत ना मान ले क्रेजी सा था वो, काफी बढ़िया ग्रुप था, समझ रहा है। तो उसमें दो बंदे थे वो ऑलरेडी रिकमेंडेड थे अलग अलग जगह, ठीक है। एक आर्मी में रिकमेंडेड था और एक एयरफोर्स में था, ठीक है। तो और क्या कहते हैं, और एक बंदा जो होने वाला था, उन दोनों को छोड़ के तीसरा होने वाला था, तो समझ रहा है ऐसा ग्रुप था काफी बड़े। तो सब लोग दिमाग तो सबका अलग अलग घूम ही रहा है कि करना क्या है क्या करना है। तो अचानक से मैं ऐसे टंग ट्विस्टर बोल रहा था कोई, तो हमारे गांव में ऐसे टंग ट्विस्टर था एक, उसका एक टंग ट्विस्टर था पांच आम पन चुचमुक चुचमुक चुचुक मुचुक पन चुचमुक चुचमुक, ठीक है। ये था टंग ट्विस्टर, ठीक है। और भाई उस समय मैंने फिर ऐसे बोल दिया, फिर एक ऐसे किसी ने मजाक में बोला कि भाई यही कर देते ना अपना वॉर क्राई। तो भाई मैंने बोला हाँ भाई यही करते हैं, तीसरा भी ऐसे राजी हो गया, चौथा भी राजी हो गया, पांचवा भी राजी हो गया। दो तीन बोले नहीं नहीं यार ऐसा नहीं है, ये खराब हो जाएगा यार, ऐसा सही नहीं है। तो क्या हुआ लास्ट में, क्या हुआ कि हम लोग माने कि हाँ भाई वॉर क्राई क्या है, तो बोला पांच आम पंच चुचमुक चुचमुक पांच चुचमुक मुचुक पंच चुचमुक, ठीक है। अब अगले दिन भाई स्टार्ट हुआ हमारा, क्या कहते हैं जीटीओ स्टार्ट हुआ, ग्रुप टास्क चल रहा है, ग्रुप क्या कहते हैं ग्रुप टेस्ट चल रही है, ठीक है। और क्या हुआ, सब सब ऐसे पूछे थे वॉर क्राई क्या है, तो एक सत्यम था बोलता तो पांच आम पंच चुचमुक 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 पंच चुचमुक चुचमुक। और भाई ग्रुप स्टार्ट हुआ, लोग भागना चालू हुए, कोई चिल्ला रहा है जय हिंद, कोई चिल्ला रहा है भारत माता की जय, कोई कुछ कुछ चिल्ला रहा है, और हमारा ग्रुप चालू हुआ, एक चिल्लाता पांच आम पंच चुचमुक चुचमुक, बाकी सारे बोल रहे हैं पांच चुचमुक मुचुक पंच चुचमुक, ठीक है। सब भाई सब मतलब हम हंसते हुए बोल रहे थे, और भाई सारे जो क्या कहते हैं जीटीओ थे तीन चार अलग अलग ग्रुप के, सब हंस रहे थे देख के, क्योंकि चल क्या रहा है ये, क्या हो क्या रहा है ये।
पांच आम पांच चुचमुक 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 चुपका चुचमुक चुचमुक। फिर क्या हुआ, रोल कॉल के लिए बुलाते हैं रात में, है ना, डीएसओ होते हैं। सर का नाम क्या था, सर का नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, जो भी था वो आए स्पेशली, कहते कि ग्रुप नंबर थ्री, हाँ सर हम लोग, तुम लोगों का क्या कहते हैं तुम्हारा वॉर क्राई तो काफी बढ़िया था, क्या था एक बार बता देना। फिर कहते अच्छा रुको अभी बताओ मत, बाकी जो तीन ग्रुप थे ना, चार टोटल ग्रुप बने हुए थे, जो तीन ग्रुप थे, कहते कि अगर तुम इन ये इन लोगों का टंग ट्विस्टर बोल लोगे ना तो तुमको रिकमेंड कर देंगे, ठीक है। तो फिर सर ने हमसे बुलवाया कि चलो साथ में सब बोलो। फिर हम वहां चिल्ला रहे, रात के समझ रहा है 8 बज रहे हैं, पांच आम पंच चुचमुक चुचमुक, पांच पूरा सन्नाटा छाया हुआ है और पांच आम पंच चुचमुक गूंज रहा है पूरा, समझ रहा है, वॉलीबॉल कोर्ट में। काफी मजेदार था वो। गजब था यार पांच। अब देखना इसके बाद ना लोग अब सीधा वॉर क्राइम में यही रखेंगे टंग अबे ट्विस्टर। रखेंगे जो भी है फुल पक्का रखेंगे, मतलब तू समझ रहा है कि उधर एसएसबी, बनारस वाले एसएसबी में तो लोग बोल ही रहे हैं कि भाई आप चुचमुक गैंग के हो ना, आप चुचमुक गैंग के हो ना भाई, आप चुचमुक गैंग के हो ना। और अगले बार जब मैं दूसरी बार बनारस में गया ना कॉन्फ्रेंस, जिसमें कॉन्फ्रेंस आउट होता दूसरी बार, तो उसमें एक बंदा पता नहीं उसको कहाँ से याद आया, और मतलब उसी मेरे ही ग्रुप का एक और बंदा था उसी एसएसबी में, सेम हम मिले थे, सत्यम था वो। तो हम लोगों को, हम दोनों को देख के बोलता कि भाई आप चुचमुक हो ना, आप चुचमुक हो ना, हमने कहा हाँ भाई अबे हमने ये जो तू कह रहा है ना, हमने उधर चुचमुक। ट्राई किया था इसमें एकेडमी में, जब जाते ना प्रैक्टिस करने तो हमने ऐसा रखा था कि शीला क्या हुई, बाकी बोलेंगे जवान हुई जवान हुई। हाँ तो बोला भाई नहीं होगा नहीं, तो अबे वो उसका एसएसबी का नहीं है, ये कोचिंग सेंटर में होता है अच्छा ना। एकेडमी में ऐसे ऐसा हाँ कोच, उस एकेडमी में। ओ अच्छा, हमने सोचा कुछ वैसे ही अच्छा कर लेते हैं, तो मैंने बोला कि ऐसा करते हैं कि एक आदमी बोला है कि शीला क्या हुई, बाकी सब बोलेंगे जवान हुई जवान। और कई बार वो कमांडो हाँ वक्त पे भी कहते कि ऊपर जाके नाम लो किसी का भी, होता ना कमांडो हाँ बोलो या भाई ये भी कुछ मेरे भी भी एक बोलो। एक पन था ऐसे, इसमें क्या बोला उसने, शीला जवान ये नहीं, उसमें अलग बनाया था लोगों ने, भाई एक का था दीपिका हमारे कहाँ है एसएसबी तू। में हुआ, एसएसबी में हमारे हुआ, क्या हमारे एक बार एसएसबी में हुआ, क्या कहते हैं कपूरथला में गया था, तो कहते कि उधर ऊपर कमांडो आपके ऊपर चढ़ के अपने फेवरेट एक्ट्रेस का नाम लेना है, तो सब कोई कोई चिल्ला रहा है करीना कपूर ये वो। एक चिल्लाता बहुत तेज, मतलब पता नहीं उसकी आवाज भी इतनी तेज थी ना, और वो चिल्लाता आयशा टाकिया, ठीक है वो तेज चिल्लाता अच्छा टाकिया आंटी है। आयशा टाकिया, नहीं, आयशा टाकिया आयशा टाकिया आयशा टाकिया, वो एक तेज चिल्लाया बहुत तेज की। और भाई उसमें बोलते हैं ना कि जो भी टास्क कर रहा होगा उसको देखना नहीं है, पीछे मुड़ के देख नहीं सकते, भाई सबने देख लिया है कौन ही है मुड़ ये के टाकिया टाकिया को ठीक टाको। चल अब मैं वाइंड अप करते हैं, ठीक है, तो सो बाद में देखते हैं। चल है, ठीक है बाबा, ठीक है भाई। ठीक है बाबा, ठीक है ओके, ठीक है मेरे भाई, गुड नाइट।